सुबह के 4:16 अभी एक टाई वाली दुकान पे उसने कर दिया मना, मेरे सामान के लिए टाइम नहीं था। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल रजा अनप्लग्ड। आई एम रजा चौधरी और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 4:16 और अब मैं ये ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। और ये ब्लॉग होने वाला है रमज़ान के पहले रोज़े का 2023 के, और अभी टाइम हो रहा है सहरी का। तो चलते हैं और पहले करते हैं सहरी और देखते हैं सहरी में क्या है। तो जैसे आपने देखा मैंने सहरी कर ली है और सहरी में मैंने खाई भिंडी की सब्ज़ी और पनीर की सब्ज़ी, दोनों मेरी फेवरेट है। और उसके बाद मैंने लिए टोस्ट विद द मिल्क और अभी मैंने वॉक वगैरह भी कर ली क्योंकि खाने के डायरेक्ट बाद एकदम लेटेस्ट हो तो नहीं सकता ना मैं। तो अभी चलता हूँ और ब्रश करता हूँ क्योंकि 5 बजे के बाद ना हम कुछ खा सकते ना पी सकते और ना ही ब्रश कर सकते कल शाम 7 बजे तक। तो चलता हूँ और ब्रश करता हूँ और उसके बाद आपसे बात करता हूँ। ब्रश मैंने बिल्कुल सही टाइम पे कर लिया, सहरी अब ख़त्म हो चुकी है। मुझे नहीं पता आपको आवाज़ आ रही है नहीं, बट साइरन हो चुका है और अभी भी हो रहा है, आपको आवाज़ आ रही होगी शायद। अभी बस मैं सो रहा हूँ और मिलता हूँ आपसे सुबह उठ के। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग गाइस। और अभी हो चुकी है सुबह, मैं उठ गया हूँ। मैंने अभी उठ के मुँह हाथ कुछ भी नहीं धुला, मैं डायरेक्ट ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। अभी सुबह के बज रहे हैं 11 और मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, मतलब हल्की हल्की बारिश भी हो रही है अभी थोड़ी बहुत, आपको दिख ही रहा हो। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा, बिल्कुल भी धूप नहीं है, तो ये चीज़ तो बड़ी अच्छी हो गई, मतलब मुझे भूख प्यास आज नहीं लगने वाली। अभी मैं नहा लेता हूँ और उसके बाद आपसे मिलता हूँ। अभी मैं मिल रहा हूँ आपसे डायरेक्ट इवनिंग में क्योंकि मैं नहा धो के बैठ गया था, उसके बाद ज़्यादा कुछ था नहीं व्लॉग करने के लिए, इसलिए मैंने व्लॉग नहीं करा। और अभी मैं जा रहा हूँ बाहर, अभी बज रहे हैं शाम के 5, मैं जा रहा हूँ बाहर। जैसे आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा मैं जो कुर्ते का फैब्रिक लाया था उसे डाई के लिए देखाना है, तो उसे ही चलते हैं और डाई के लिए देख आते हैं। अगर मैं इसके बाद जाऊँगा तो शायद शॉप बंद हो जाएंगी कल की तरह, तो चलते हैं और देख आते हैं डाई के लिए कपड़ा। अभी एक डाई वाली दुकान पर उसने कर दिया मना कि जिस टाइप से हमें डाई चाहिए वो नहीं होगा, अब हम जा रहे हैं दूसरी वाले पे, चलते हैं देखते हैं वहाँ पे हो पाएगा या नहीं होगा। टाई वाला तो दिखा के लिए जैसा जो भाई देख लो, टाई वाला मेरे जैसा, मैं कितना सुंदर। और बस रंग ग्रुप पे बात नहीं करनी चाहिए, बॉडी शेमिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है। बाल मैच कर रहे थे भाई, बाल मैच कर रहे थे, मैंने चोटी बना रखी उसकी, चोटी नहीं थी तो क्या लगता था फिर उसके बाल चोटी से पहले ऐसी तो थी इसके, कोई दिक्कत फैशन भाई चलेगा। दूसरी शॉप आए थे बट अभी वो वाले भैया है नहीं, तो 5 मिनट रुकते हैं, जब आएंगे वो उसके बाद पूछेंगे वैसा टाइप हो जाएगा कपड़ा जैसे हमें चाहिए या नहीं। और ये यहाँ पे वेट कर रहे हैं कुछ, वो भी वेट कर रहे हैं। अरे नहीं यार उसे। तो अभी बहुत देर बाद भैया आ चुके थे डाई वाले और उन्होंने कहा ऐसी डाई हो जाएगी जैसी मुझे चाहिए। और आपने लास्ट ब्लॉग में देखा ही होगा रेफरेंस, मैंने आपको दिखाया था 3 शेड का कुर्ता, ये फैब्रिक है वाइट वाला, मेरे पास वाइट भी नहीं है, क्रीम कुछ ऐसा टच में था। और इसके बाद हमने डाई करवाने का प्रोसेस स्टार्ट करवा, मुझे से 3 कलर में डाई करवाना था, फेड फेड फेड, मतलब लाइट उससे डार्क फिर सबसे डार्क ऐसे करके कुछ। फाइनली डाई करवा लिया है और जिस टाइप का मुझे चाहिए था वैसा ही डाई करवाया, टाइम लग गया 1 घंटा लगा हमें। और मुझे एक और काम था लेकिन ये दोनों नहीं माने और बिल्कुल भी जाने नहीं दिया इन दोनों ने। और अभी जा रहा हूँ घर, बाकी मैंने आपको थोड़ा बहुत दिखाया जैसे डाई हो रहा था और बहुत ही अच्छा आउटकम लगा उसका। पता नहीं मुझे मेरी आवाज़ आ रही होगी या नहीं क्योंकि ये बाइक भगा रहा है और ट्रैफिक भी हो रहा था थोड़ा बहुत, तो फोन की आवाज़ ज़्यादा आ रही होगी शायद मेरी आवाज़ से, लेकिन चलता हूँ घर और फिर मिलता हूँ आपसे। मेरे सामान के लिए टाइम नहीं था और अभी जा रहा है सामान लेने, तो मेरे भाई के पास टाइम नहीं था और अभी वो पीछे कचरी ले रहा है पूरा टाइम लगा के, इतनी देर में मेरा काम हो जाता है। दिखाता हूँ उसे भी, भाई का कल एग्जाम है हमारे साथ फिर भी आ गया, सेमेस्टर का पेपर है और वो मैच भाई, भाई फोन से पढ़ना है, फोन ऑफ हो गया, अभी तो एक थी ऑफ भी हो गया, ऑन अबे ऑफ हो गया, ऑन क्या कर रहे हैं इसमें, क्या दिक्कत है, पेपर देख क्या करेगा भाई, मामा तुम्हारे इंजीनियर है, जॉब लग जाएगी, बैग लगवा लूं, बैग लगवा लो भाई, मैं तो कह रहा हूं कॉलेज छोड़ दे, पैसे बचाओ, गहने होते हैं इंजीनियर के है ना, बैग तो बैग तो होनी चाहिए एक दो भाई, तभी तो कह रहा हूं। वैसे गहने तो तू पहनता भी, दिखाइए अपना हाथ, चल आज नहीं पहन रखा, कहाँ गए तेरे गहने, वैसे मैंने घर पे रखे, गिरवी रख दिए, गिरवी नहीं रखे घर पे रखे, घर पे रख दिए, आ गया ले लिया, रिकॉर्ड कर लिया मैंने, मेरे काम के लिए तेरे पे टाइम नहीं था और अब तो जितनी देर रुक गया, नहीं नहीं जल्दी था ये तो बहुत, आधा घंटा रुका है तू, आधा घंटा ये फिर भी जल्दी था, इसके 5 मिनट 1 घंटा होता है, उधर आधा घंटा 5 मिनट होते हैं। अभी मैं आ चुका हूँ घर और मैंने हाथ मुँह धुल लिया है, ऑलमोस्ट इफ्तारी का टाइम हो चुका है और ये इस साल के रमज़ान का पहला रोज़ है, तो आज इफ्तारी भी शायद थोड़ी स्पेशल होगी। अभी आप लोगों को भी दिखाता हूँ आज इफ्तारी में क्या क्या है।
और यहाँ हो रही थी इफ्तार की तैयारी। आज की पकौड़ी बन रही थी, फ्रूट्स की प्लेट भी लग चुकी थी और उसके साथ साथ कबाब भी बने थे। कबाब के साथ साथ काफ़ी सारी चटनी भी थी और ये शिकंजी थी हमारे साइड्स में, और उसके साथ साथ काफ़ी सारी कचरी वगैरह भी थी छोटी छोटी छोटी। और यहाँ पे बूंदी बन रही थी रायते के लिए, घर पे ही काफ़ी अच्छा रायता हुआ था। और उसके साथ साथ यहाँ पे और भी कबाब फ्राई हो रहे थे बहुत सारे फ्रूट्स से, क्योंकि मैं बहुत फ्रूट्स खाता हूँ इसलिए। और ये पीले चावल भी बने थे, तिहारी भी आप इसको कह सकते हो, और ये बिरयानी भी बनी थी। और यहाँ पे पकौड़ी और भी वैरायटी की पकौड़ी फ्राई हो रही, खुल चुका है और मैं खोलूँगा रोज़ा खजूर से। आज इफ्तारी में बहुत कुछ बना है, लेकिन मैं सबसे पहले जो खाऊंगा खाऊंगा फ्रूट्स की प्लेट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे दिन वैसे हम भूखे रहते हैं, उसके बाद अगर फ्रूट से स्टार्ट करेंगे तो ठीक रहेगा, और अगर एकदम से मैं रोटी खाऊंगा तो थोड़ा हैवी हो जाता है। तो अभी मैं खाता हूँ फ्रूट्स और इसको फिनिश करता हूँ। मैंने इफ्तार कर लिया है और मैंने बहुत लाइट इफ्तार करा, मैंने सिर्फ फ्रूट्स खाए, ज़्यादा कुछ नहीं खाया, क्योंकि मेरे से एकदम हैवी बिल्कुल भी नहीं खाया जाता। अगर मैं खाना खाऊंगा तो एक या दो घंटे बाद ही खाऊंगा। बाय द वे, आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि रमज़ान में क्या होता है, हमें सिर्फ खाना पीना ही तो छोड़ना होता है, मतलब भूखा प्यासा ही तो रहना होता है। ऐसा नहीं होता, हमको भूखा प्यासा रहने के साथ साथ हम सोशल मीडिया भी यूज़ नहीं कर सकते, हम ना ही गाना सुन सकते, ना ही हम फ़ोन यूज़ कर सकते ज़्यादा, ना हम मूवी या टीवी सीरियल्स देख सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब एक तरह से हमें मोह माया पूरी त्यागनी होती है, और ये जो मंथ होता है पूरा, मतलब इसमें जितना हमें कर सकते हैं अच्छे काम उतने करने चाहिए, जैसे डोनेशन तकसीम चीज़ें करनी होती है। और साथ ही साथ अगर मतलब हमारे दिल में किसी इंसान को लेकर या किसी चीज़ को लेकर कुछ है तो हमें उसको माफ़ करना होता है। मतलब मंथ ऑफ़ फॉरगिवनेस, मंथ ऑफ पीस, मंथ ऑफ पॉजिटिविटी और भी बहुत सारी चीज़ें होती है इस महीने में। हमें मतलब जितना हो सकता है उतने अच्छे से अच्छे काम करने चाहिए इस मंथ में, और यही असली रमज़ान का मायना होता है, ना कि ये कि सिर्फ भूखा प्यासा रहना। मैंने फिर बाद में आके खाना खाया, तो मैंने खाना खा लिया है और अभी मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गया था, मैंने फ़ोन नहीं लिया था वरना मैं ज़रूर रिकॉर्ड करता। और इतनी तेज़ बारिश हुई कि मुझे एकदम से घर आना पड़ा, और मैं आते आते भीग भी गया, अभी भी थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो रही है। और यही था आज का व्लॉग, मुझे नहीं पता है व्लॉग कब लाइव होगा, क्योंकि अभी मेरे पास काफ़ी सारे व्लॉग हैं जो इससे पहले जाएंगे, लेकिन रमज़ान में ही जाएगा ये वाला व्लॉग। बट ये पहले रोज़े का है, मैं चाहता हूँ उसको जल्दी डालना, जितना जल्दी हो सकता उतनी जल्दी डालूँ मैं इस व्लॉग को, लेकिन अभी मेरे पास बहुत सारे पेंडिंग व्लॉग है जो इससे पहले मुझको अपलोड करने हैं, वरना सब कुछ मिसमैच हो जाएगा और आपको समझ नहीं आएगा शायद इसीलिए। और तो होप करता हूँ आपको पसंद आया होगा आज का व्लॉग, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। इस साल के रमज़ान के पहला रोज़ा था और मौसम आज जितना अच्छा था तो ज़्यादा रोज़ा भी नहीं लगा, ना ज़्यादा भूख लगी ना ज़्यादा प्यास लगी। और अगर आपको पसंद आया होगा व्लॉग तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल रज़ा अनप्लग। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।